बोल रहे थे, आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? इलाहाबाद के। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के बारे में कुछ जानते हैं? आपसे कुछ अब कुछ कुछ करना है? चलिए, आप है यहाँ के? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पंजाब की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी जो पंजाब वाली है, उसका क्या काम धाम हो रहा है? बस मान सरकार का आज 500 मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे, क्या क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी भी गए अमृतसर। अगर हम देखें, मान साहब अपने मिस बखूबी मिस अपने निभा रहे हैं, तो उनकी पार्टी में देखो आप कितना मिस सहयोग हुआ है। तो अगर उस पार्टी जीती है तो कुछ ना कुछ कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि जैसे दिल्ली, आप बताओ भाई, आप युवा हो, कहाँ रहते हो? दिल्ली में रहते हो? दिल्ली में रहते हैं जी। ये एमसीडी का जो मेयर नहीं चुना जा रहा, 50 दिन हो गए, नतीजे आए, आप क्या सोचते हो? क्या सोचे जी, दोनों मिले हुए हैं, बीजेपी और आप वाले दोनों जी। लेकिन मेयर तो बनाना चाहिए ना। मेयर की तो क्या चिंता ही नहीं है जी किसी को भी, ना किसी को दिल्ली की चिंता है, ना किसी को किसी चीज़ की चिंता है। उनको बस ये है कि पावर ना जाए, एक चारा पावर ना जाए और एक चारा जल्दी पावर आ जाए, बस ये है चिंता, और कुछ नहीं है। अब वो दोनों लड़ रहे हैं आपस में। देखो एमसीडी कितना काम करती है, कूड़ा से लेके नाली से लेके स्ट्रीट लाइट से लेके सड़कें बनवाने से लेके बहुत काम है एमसीडी के पास दिल्ली में। लेकिन अगर 50 दिन के चुनाव होने पर मेयर नहीं होगा, उनकी समितियां गठित नहीं होंगी, बजट नहीं दिया जाएगा, बजट नया बजट सेशन शुरू होना है, तो ये तो चुनाव के साथ मजाक है। सर काम तो हो ही रहा है, बेसिकली कूड़ा उठाने वाला कूड़ा उठा ही रहा है, जो बेसिक जो काम हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं। ये तो खाली मेयर है कि भाई मेरा बैठ जाए वो बोलेगा, मेरा बैठ जाए बस, और क्या है। आप अपने सोसाइटी में जाएंगे जहाँ मैं भी रहता हूँ, मेरे यहाँ तो लगातार आ रहा है, पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। तो मुझे तो आगे की मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो ये सब बहुत समस्या आएगी फंड की और तमाम चीज़ों। तो वो एलजी उठाएंगे ना, फिर एलजी कर रहे हैं सब कुछ, तो वही करेंगे फिर वही कर रहे हैं सारा कुछ। नहीं तो आप क्या मानते हैं कि ये मिला जुला खेल दोनों की? मिला जुला खेल तो सबका ही होता है। देखो कोई भी पार्टी एक दूसरे के वैसे आपके सामने कर सकती है कि हाँ भाई संबंध, बाकी ये प्रैक्टिकली सारे एक ही हैं, ये प्रैक्टिकली एक ही है बस। क्या कहते हैं, आप भली बात ही जानते भी ऐसे कि ये दोनों पार्टियां एक ही हैं? मैं कुछ जानता हूँ नहीं। नहीं आप ज्यादा जानते हैं, आप तो सुबह शाम यही काम कर रहे हैं, तो आप ज्यादा जानते हैं। एक बात बताइए, आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 7-8 सालों में आपने दिल्ली में कुछ उनका अच्छा काम देखा है? नहीं, अच्छे काम वो भी कर रहे हैं, ये नहीं कि वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, सभी अच्छे काम कर रहे हैं। हर किसी की एक आइडियोलॉजी है, उसमें वो वर्क कर रहे हैं। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी अपनी अलग है, तो सब अपने अपने उसमें कर रहे हैं। मुझे है तो ऐसा है नहीं, वैसे तो मैं जयश्री राम वाला हूँ, बीजेपी वाला हूँ तो मुझे तो बीजेपी वाले अच्छे लगते हैं, सिंपल सी बात है। अरे यार किसी वाले, ये देश लोकतंत्र है यार, दुनिया का सबसे बड़ा, इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थक, देखो मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं मुझे आम आदमी पार्टी का ये वाला काम अच्छा है, बीजेपी का ये वाला काम अच्छा लगता है, अलग अलग बात है। मैं तो लोगों से ये राय, लेकिन बीजेपी आपको पसंद क्यों है जी? हमें शुरू से ही पसंद है, हमारे तो पहले से ही वोट, बाप दादा जो है वही बीजेपी को वोट डालते हुए आ रहे हैं, हम भी उसे डाल रहे हैं और मेरा बच्चा भी बीजेपी को ही डालेगा, सिंपल सी बात है जी। जो कोर वोटर हैं हम उसके कोर वोटर हैं, जब उनकी गवर्नमेंट नहीं भी थी तब भी हम बीजेपी को डालते थे, अब है तो अब भी डाल रहे हैं, आगे नहीं रहेंगे तब भी डालेंगे, तो हमें उससे मतलब नहीं है। जो काम जिस गवर्नमेंट ने करना है वो वैसे ही होगा, वो थोड़ा प्रोसेस हो जाता है, जो 2 महीने का काम है वो 1 महीने में हो जाए, बस इससे अलावा इसके अपार्ट कुछ नहीं होगा। नौजवानों के मामले में कहते हैं कि बेरोजगारी और रोजगार की समस्या मोदी सरकार में बढ़ी है, बड़ा मुद्दा उठाया जाता है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सर मेरे हिसाब से बेरोजगारी तो अब जैसे काम नहीं करना ना उसे नहीं करना, अब उसको रोजगार गवर्नमेंट कहाँ से ला के दे देगी? करने वाले अब स्कूटर भी चला रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं, डिफरेंट इशू है।